यूपी की बात में सीएम योगी के दौरे से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का बवाल, मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य का विरोध। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा, शटरिंग का सामान, ड्रम और मशीन सड़क पर फेंके गए। रीवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल्ले से निकली बॉल से कार्यकर्ता जख्मी, कैच लेने की कर रहा था कोशिश। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा, हिंदू राष्ट्र को लेकर संसद में कुछ होने वाला है, सनातन बोर्ड का समर्थन नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गए थे बागेश्वर धाम, धार्मिक महाकुंभ में लिया हिस्सा, मंच से गाए गए गीत। मध्य प्रदेश के सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, 24 बीघे जमीन पर बना पंडाल। 34 बीघे जमीन पर बना गया है पंडाल, 40 काउंटर से 24 घंटे रुद्राक्ष बांटने की व्यवस्था भी है, 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। उधम सिंह नगर में कांवड़ को लेकर लौट रहे भक्तों का बवाल, मास्क फेंके जाने के आरोप को लेकर प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में भी प्रशासन का आदेश, कांवड़ रोड पर महाशिवरात्रि तक मीट की दुकानें बंद रखने की चेतावनी। कानपुर देहात में हुई घटना पर मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित की गई एसआईटी, 1 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री योगी से मिल सकता है पीड़ित परिवार, बेटे को सरकारी नौकरी और पिता को आजीवन पेंशन और राशन कार्ड दिए जाने का भरोसा। कानपुर देहात में जलकर मरी मां बेटी का दाह संस्कार किया गया, पुलिस का कड़ा पहरा रहा। कानपुर में मां बेटी की मौत को लेकर कांग्रेस का लखनऊ में प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में निकी यादव हत्याकांड में आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस हिरासत में, गर्लफ्रेंड को कार में ही गला घोटकर मार डाला था, उसके बाद शव को फ्रिज में छिपाया था। आरोपी साहिल निकी की लाश को करीब 35 किलोमीटर तक घुमाता रहा, कार में शादी को लेकर हुआ था झगड़ा। मुंबई में लिव इन पार्टनर को मारकर प्रेमी ने बेड में छिपाई बॉडी, हत्या के बाद फर्नीचर बेचा, मुंबई से राजस्थान भागते समय आरोपी पकड़ा गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायक रद्द, स्वास्थ्य सीट हुई खाली, 6 महीने में होगा उपचुनाव। जम्मू में तनख्वाह के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाई, जल्दी सैलरी देने की मांग। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, 60 सीटों पर 259 उम्मीदवारों ने भराया पर्चा। मतदान के लिए बनाए गए 3328 पोलिंग स्टेशन, 28 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री माणिक साह अगरतला में डालेंगे वोट, बीजेपी के लिए साख बचाने की जांच। त्रिपुरा चुनाव में पहली बार टीएमसी की एंट्री, ममता बनर्जी ने उतारे हैं 28 उम्मीदवार। त्रिपुरा में चुनाव से पहले हिंसा, बिसलगढ़ में कई जगहों पर धमाके, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर कल दोपहर नॉनस्टॉप एक्शन चल रहा है, 3 दिनों तक ये सर्वे चलने की आशंका। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन, आईटीबीपी के जवान तैनात। बीबीसी पर लगातार दूसरे दिन भी आईटी का सर्वे, स्टाफ से कहा गया हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। बीबीसी मामले पर अमेरिका चुप, कुछ भी कहने से इनकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीबीसी सर्वे पर बयान, कहा आयकर विभाग का सर्वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, ये बीजेपी सरकार का राजनीतिक बदला, मैं बीबीसी के साथ। चीन से तनातनी के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तर के 4 सरहदी राज्यों में वाइब्रेंट विलेज योजना को मंजूरी, बॉर्डर पर सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़ का बजट। मोदी कैबिनेट में लिए गए फैसले, सहकारिता के लिए बनेगी कमेटी, गांव में सौर ऊर्जा से जोड़ने की भी योजना। आईटीबीपी के साथ 7 बटालियन का भी गठन किया जाएगा, आईटीबीपी की 47 पोस्ट पर तेजी से हो रहा है काम, सिंकुलना टनल के निर्माण को भी हरी झंडी। बैठक में सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी फोकस के बाद सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। नेशनल डेयरी योजना में पंचायतों को भी जोड़ने का फैसला लिया गया, 2 लाख पंचायतों में बनाया जाएगा डेयरी कोऑपरेटिव। ज्योतिर्लिंग को लेकर 2 राज्यों में छिड़े जंग, विज्ञापन देकर असम सरकार ने ठोका दावा, महाराष्ट्र का जवाब, ना फैलाएं धार्मिक द्वेष। छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार ने अपना बताया, शिवसेना एनसीपी बोली, पहले हमारे प्रोजेक्ट कर्नाटक को दिए, अब भगवान भी छीन रही है बीजेपी। और मकानपुर देहात कांड के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, कहा यह सरकार हत्यारी है, आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जाती है। प्रयागराज में अग्निकांड के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन, बुलडोजर के पोस्टर को जलाने की कोशिश हुई, पुलिस से झड़प। करनाल में यूथ कांग्रेस के जिला सचिवालय में घंटी बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान लोगों ने परेशानियां रखी सामने। दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन देखा, सरायकेला खां में नजदीक रैन बसेरों को भी गिराया गया। मैनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को लाया गया कासगंज जेल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। आप लीगल सेल ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ निकाला मार्च, कहा एलजी साहब संविधान से चलो। पुणे में आईटीसी सर्वे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन धरना, मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध।
जमशेदपुर में मंडी टैक्स के विरोध में ओट बाजार बंद। व्यवसायियों ने सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विश्वविद्यालय को ओपीडी का शुभारंभ किया। रोगियों को मुफ्त में दी जाएंगी यहां जरूरी दवाएं। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र और छात्राओं के हॉस्टल भवन का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कृष्णनगरी में डीएम के पार्षद ने किया सेना के जवान की पीट पीट कर हत्या। 6 आरोपी गिरफ्तार। डीएम के पार्षद फरार। बहादुरगढ़ में किसानों ने शुरू किया जल समाधि सत्याग्रह। नहर के ठंडे पानी में खड़े होकर शुरू किया भजन। पटना में होमगार्डों का नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। आरजेडी ऑफिस के बाहर बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए। अहमदाबाद में 18 साल के आईआईटी छात्र ने आत्महत्या के मामले में परिजनों का आरोप जाति के आधार पर किया जा रहा था परेशान। फतेहपुर में ठगी के शिकार लोगों का प्रदर्शन। सरकार से पैसा वापस कराने की मांग। अजमेर के किशनगढ़ में थानाधिकारी से मारपीट करने वाला जैसलमेर एसपी का बेटा प्रवीण गिरफ्तार। नशे में था धुत। इटावा में स्कूल वैन और कार की टक्कर। 9 बच्चे समेत ड्राइवर घायल। नोएडा में थिनर बनाने वाली केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। गढ़वा में नेशनल हाईवे 75 बाईपास पर सड़क पर दो मोटरसाइकिल कैमरे सामने की टक्कर। 2 लोगों की मौत। गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने की खबर से यात्रियों में मचा हड़कंप। बोगी से उतरकर भागे यात्री। शॉर्ट सर्किट से बोगी में धुआं फैला। अंबाला में इसरो की लॉन्च की गई सैटेलाइट में छात्राओं ने भी लिया हिस्सा। गृहमंत्री अनिल विज ने बेटियों के इस काम को सराहा। गुलमर्ग बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट की खूबसूरती पर्यटक को आकर्षित कर रही है। राज्य में किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर उनका रुझान बढ़ा। युवक ने गुलाब की खेती से कमाई लाखों रुपए। मुंबई में एक इंजीनियर ने बनाया अद्भुत QR कोड। इस तकनीक से आवारा कुत्तों को किया जा सकेगा टैग। उत्तर 24 परगना में एक्टर कार्तिक आर्यन ने फिल्म शहजादा का प्रमोशन किया। कॉलेज के छात्रों के बीच में पहुंचे कार्तिक। बागपत में राम रहीम और हनीप्रीत का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में राम रहीम और हनीप्रीत एक साथ बैठकर केक काटते दिख रहे हैं। रायबरेली में 12 साल के बच्चे का हत्या का खुलासा हुआ। मृतक की बहन ने प्रेमी संग भाई को उतारा था मौत के घाट। दरभंगा में पुलिस के खिलाफ एक महीने से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में खुद पहुंचे दरभंगा SSP। दोषी पुलिस वालों को हटाने पर अड़े आंदोलनकारी। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़। इनामी बदमाश गिरफ्तार। MP के सागर में पूर्व मंत्री और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस सुरेंद्र चौधरी के बिगड़े बोल। DC को कहे अशोभनीय शब्द। गोरखपुर में UP बोर्ड परीक्षा की तैयारियां जोरों पर। नकल पर लगाम कसने के लिए केंद्रों पर CCTV कैमरे। अमरावती में आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। कहा अतिरिक्त पुलिस थानों के रूप में करेंगे काम। हरिद्वार में लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारी। अब तक मामले में हो चुकी है 15 गिरफ्तारियां। मानसा में मोहल्ला क्लिनिक की खुल गई पोल। पूरा काम ना होने की वजह से चेकअप कराने के लिए पहुंच रहे लोगों को मुश्किलें हो रही है। दिल्ली के नागलोई रोड पर रोडरेज का मामला। उसके बाद विरोध प्रदर्शन। पुलिस स्टेशन के सामने लोगों ने विरोध किया। बागपत में 40,000 रुपए मांगने पर दबंगों ने वाइन शॉप सेल्समैन को मारपीट की। कनपट्टी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। इंदौर में बैंक मैनेजर से धोखाधड़ी का मामला। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बारीकी से जांच कर रही है। सूरत में धार्मिक यात्रा करवाने के नाम पर BJP महिला कार्यकर्ता उनके बेटे की बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी हुई। 3 पुलिस थानों में मामला दर्ज। महाराजगंज में 2 पट्टीदारों के आपसी विवाद में चली गोली। घायलों का चल रहा है इलाज। सवाईमाधोपुर में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला। जांच में जुटे पुलिस। कोलकाता में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। लोगों से अवैध तरीके से लूटता था पैसे। आगरा में G20 की सजावट में लगे हुए गमलों को चुरा कर ले गए लोग। मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटे पुलिस। जमशेदपुर में रिपेयरिंग के लिए आए 2 टैंकर्स में अचानक लगी आग। दोनों टैंकर जलकर राख। चेन्नई में CM के चंद्रशेखर राव ने श्री आंजनेय स्वामी मंदिर में किया दौरा। मंदिर की अद्भुत तस्वीरें आई साथ। सहरसा में हेल्थ अकाउंटेंट करुणा निधि गिरफ्तार। नगर निगम की टीम ने 56,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। तेलंगाना के जगतियाल में सड़क दुर्घटना में RTC कंडक्टर की मौत। लगभग 10 यात्री घायल। दिल्ली में वॉशिंग मशीन में डूबा 1.5 साल का मासूम। फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टर ने बचाया जान। महोबा में सरकारी अस्पताल में हो रहे मरीज की जिंदगी से खिलवाड़। स्वीपर लगा रहा मरीज को इंजेक्शन। करनाल में अस्पताल में भर्ती कैदी फरार। कई घंटे बीतने के बावजूद भी गार्ड से उच्च अधिकारियों को नहीं दी खबर। इटावा में बारात से पहले चचेरे भाई संग दूल्हा हुआ फरार। दूल्हे की तलाश में जुटी पुलिस।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में दो साल से लिंग परिवर्तन के लिए एक महिला पुलिसकर्मी कर रही है संघर्ष, सरकार से लिंग परिवर्तन के खर्च वहन करने की मांग।